हाँ जी आगे है। आफ्टर परचेजिंग द क्लोथ्स, कपड़े खरीदने के बाद अर्श रिटर्न होम विद हिज मदर एंड सिस्टर। के जी अर्श अपने मम्मा के साथ और सिस्टर के साथ घर वापस आ गया। हिज फादर वॉज वॉचिंग टेलीविजन एट होम। उसके पापा जो थे वो टीवी देख रहे थे घर पे। लेडी ऑन द टेलीविजन स्क्रीन वॉज मेकिंग गेस्टर्स वेरी क्विकली बट शी वॉज नॉट स्पीकिंग एनीथिंग। वो बहुत सारे साइंस में मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज कर रही थी लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी। अर्श वॉज एस्टनिस्ट टू सी हर बिकॉज ही कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। अर्श जो था उसको देख एकदम अचंभित था क्योंकि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है। ही आस्क्ड फ्रॉम हिज फादर व्हाट इज दैट लेडी डूइंग। उसने अपने पापा से पूछा कि ये औरत क्या कर रही है। हिज फादर टोल्ड हिम दैट शी वॉज प्रेजेंटिंग न्यूज फॉर पीपल हु कांट हियर एंड स्पीक। तो उसके फादर ने बताया कि वो उन लोगों के लिए न्यूज प्रेजेंट कर रही है जो ना तो सुन सकते हैं और ना बोल सकते हैं। हियर कांट हियर एंड स्पीक। अर्श हाउ कैन दे अंडरस्टैंड न्यूज विद द एक्शन ऑफ हैंड। तो वो हाथों के एक्शन से कैसे न्यूज को समझते हैं। फादर उसके फादर ने बताया दे हैव लर्न द साइन लैंग्वेज। उन्होंने फादर दे हैव लर्न द साइन लैंग्वेज। उन्होंने साइन लैंग्वेज सीखी है। अर्श वेयर डू दे लर्न दिस लैंग्वेज फ्रॉम। वो ये लैंग्वेज कहाँ से सीखते हैं। फादर देयर आर स्पेशल स्कूल्स फॉर दीज चिल्ड्रन वेयर दे आर टॉट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड टू अंडरस्टैंड अदर्स बाय साइन लैंग्वेज। कहता इन बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल होते हैं जहाँ ये एक्सप्रेस करना सीखते हैं अपनी फीलिंग्स को और दूसरे की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना सीखते हैं बाय साइन लैंग्वेज। अब देखो हाँ जी बेटा जी ये कुछ साइन लैंग्वेजेस हैं। देखो हेलो ऐसे गुड बाय के लिए ये है नाइस टू मीट यू बोलना। यस के लिए नो प्लीज थैंक्स। तो ये कुछ साइन लैंग्वेज उन्होंने शो किए हुए हैं। आगे है बेटा although it seems difficult to understand or convey through this type of language yet these people understand it easily. Yata chahe in language ke sath in science ke is language ke sath understand karna aur convey karna mushkil ho jata hai fir bhi ye log jo hai ise easily understand karte hain samajhte hain. If a person lacks one sense organ, agar kisi bande mein ek sense organ kam hai, the brain concentrate on remaining sense organs which become more sensitive. तो जो दिमाग होता है वो बाकी organ पे जो है concentrate करता है और उनको sensitive बनाता है. Example, visually impaired people are more sensitive to touch and their hearing power is also very strong. ठीक है, वे जिनकी eyesight weak होती है जो देख नहीं पाते अच्छे से उन लोगों का जो है touch और hearing power जो है वो बहुत ज़्यादा strong होती है. Similarly, deaf people make more use of eyes. और जो डीफ पीपल होते हैं उनकी वो आंखों का ज्यादा यूज करते हैं. सो दीज काइंड ऑफ पीपल आर नाउअडेज. ठीक है, दीज पीपल जो आजकल के दिनों में इन लोगों को डिफरेंटली एबल्ड कहा जाता है रेदर देन हैंडीकैप्ड. पहले टाइम पे इन लोगों को हैंडीकैप्ड बोला जाता था पर आज के टाइम पे इन लोगों को डिफरेंटली एबल्ड बोला जाता है. देयर नीड्स आर डिफरेंट. इनकी जरूरतें भी अलग है. If their needs are properly fulfilled, they can lead not only a normal life but also can excel in different fields. कहता इनकी जो अगर सारी needs fulfill हो जाएं पूरी हो जाएं तो ये एक normal life ही नहीं जी सकते बल्कि अलग अलग field में अच्छा भी कर सकते हैं. Helen Keller is a great example. इनकी एक great example कौन है. Helen Keller. Helen Keller was deaf and blind. Helen Keller जो थी ना तो वो सुन सकती थी ना वो देख सकती थी बट शी गॉट गुड एजुकेशन रॉट डजन्स ऑफ बुक्स. लेकिन उसे अच्छी एजुकेशन मिली और उसने बहुत सारी बुक्स लिखी. ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड. सारे देश पूरे दुनिया में घूमी. मीट विद डिफरेंट प्रेजिडेंट्स ऑफ अमेरिका एंड रिसीव्ड मैनी प्राइजेज एंड ऑनर्स. उसे बहुत सारे जो है प्राइज मिले और वो अलग अलग प्रेजिडेंट से मिली अमेरिका के. She was 1.5 years old when she lost her hearing and eyesight due to illness. विवार होने की वजह से वो सिर्फ 1.5 year की थी मतलब 1.5 साल की थी जब उसकी सुनने की पावर भी चली गई और देखने की पावर भी चली गई. When she was 7 years old, जब वो 7 साल की थी, her parents hired an able teacher.
ठीक है, उसके लिए एक टीचर हायर किया, ठीक है, उसकी एजुकेशन के लिए उसके पेरेंट्स ने उसके लिए एक टीचर हायर की। शी ट्राइड टू टीच हेलन बाय राइटिंग वर्ड्स ऑन हर हैंड, वो हेलन को लिखना सिखाती थी, सॉरी वर्ड्स, हाँ, उसके हाथ पे लिख के पढ़ना सिखाती थी। बट इट वॉज डिफिकल्ट एज द मीनिंग कुड नॉट बी कन्वेड टू हर बाय स्पीकिंग और बाय शोइंग। बट उसके लिए मुश्किल था कि उसे, क्योंकि वो ना तो देख सकती थी ना सुन सकती थी, तो वो जो वर्ड लिखती थी उसे उसे समझाना, ठीक है, नहीं मतलब समझ नहीं आता था। वन डे वाइल सिटिंग नियर अ टैप, एक दिन टैप के पास बैठे हुए, हर टीचर पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन हर हैंड एंड ड्रॉट वाटर ऑन अदर। तो उसके टीचर ने क्या किया, उसके एक हाथ में कुछ पानी की ड्रॉप्स रख दी और दूसरे हाथ पे वाटर लिख दिया। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से हेलन वॉज एबल टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ वर्ड, उस दिन से उसे वर्ड्स का मीनिंग समझ आना शुरू हुआ। शी टच द ग्राउंड इमिडिएटली एंड टीचर रॉट ग्राउंड ऑन हर हैंड, वो ग्राउंड को टच करती तो टीचर ने उसके हाथ पे ग्राउंड लिखा। दिस वे शी लर्न 30 वर्ड्स इन अ डे, इस तरह से वो एक दिन में 30 वर्ड सीखती। एंड दस स्टार्टेड हर एजुकेशन, और उसकी इस तरह से उसकी जो स्टडी थी वो शुरू हुई। शी लर्न 5 लैंग्वेज थ्रू ब्रेल स्क्रिप्ट एंड बिकम अ फेमस राइटर, उसने ब्रेल स्क्रिप्ट के थ्रू 5 लैंग्वेजेस सीखी और वो एक बहुत बड़ी राइटर बन गई। मैनी पीपल गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम हर लाइफ डिस्पाइट देयर फिजिकल लॉसेस, ठीक है जी, बहुत सारे लोगों को उसकी लाइफ से इंस्पिरेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है, चाहे उनमें बहुत सारे फिजिकल लॉस क्यों ना हो। ब्रेल स्क्रिप्ट, यू हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास थर्ड, थर्ड क्लास में आपने कहता पहले ही पढ़ा है, दैट अ स्पेशल स्क्रिप्ट हैज बिन डेवलप्ड फॉर पीपल हु आर अनेबल टू सी, कि जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए एक स्पेशल स्क्रिप्ट बनी है, दैट इज ब्रेल स्क्रिप्ट, ठीक है। दिस स्क्रिप्ट कैन बी अंडरस्टूड बाय टचिंग, इस स्क्रिप्ट को हम जो है टच करके अंडरस्टूड करते हैं, और इस स्क्रिप्ट का नेम है ब्रेल स्क्रिप्ट। इस स्क्रिप्ट में क्या होता है, डॉट्स आर इंग्रेव्ड ऑन द पेपर इंस्टेड ऑफ राइटिंग वर्ड्स सो दैट पर्सन कैन टच इट, डॉट्स इंग्रेव किए जाते हैं पेपर पे, वर्ड्स नहीं लिखे जाते कहता। गिवन ब्लू आर सिंबल्स, इंग्लिश अल्फाबेट के सिंबल्स देखो, ए के लिए एक डॉट बनाया हुआ है, बी के लिए 1 2, सी के लिए 1 4, ऐसे ही 1 4 5 4 D, तो ऐसे अलग अलग डॉट्स बना के वो सारे अल्फाबेट्स को सिखाते हैं, ठीक है जी। सम पीपल आर अनेबल टू वॉक प्रॉपरली, कुछ लोग सही से चल नहीं सकते, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ओनली विद द हेल्प ऑफ क्रचेस, ठीक है जी, ट्राईसाइकिल्स और ऑन व्हील चेयर्स, उनको मतलब कुछ ना कुछ चाहिए, विसाखी चाहिए या व्हील चेयर पे वो चलते हैं। बट ट्राईसाइकिल्स कैंट रीच द बिल्डिंग्स विच आर अबव ग्राउंड लेवल एंड हैव स्टेयर्स, अब ट्राईसाइकिल्स जो हैं वो उन बिल्डिंग्स पे नहीं चढ़ सकती जो अबव द ग्राउंड लेवल हो या जिसमें स्टेयर्स हो। टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी, इस डिफिकल्टी से खत्म होने के लिए रैम्प्स आर मेड नियर द स्टेयर्स इन पब्लिक प्लेसेस सो दैट डिफरेंटली एबल पीपल कैन यूज ट्राईसाइकिल्स और व्हील चेयर्स विदाउट एनी डिफिकल्टी। यू माइट हैव सीन ट्राम्स अलॉन्ग विद द स्टेयर्स इन द रिसेंटली बिल्ट रूम्स और टॉयलेट्स ऑफ योर स्कूल, कहता आपने ये सब कुछ देखा होगा रिसेंटली बिल्ड रूम्स में या आपके स्कूल टॉयलेट्स में, ये सारी चीज़ें बनी होती हैं ताकि जो डिफरेंटली जो पीपल वॉक नहीं कर सकते प्रॉपरली वो अपने व्हील चेयर्स को ईजिली वहाँ पर कैरी कर सकें। एक्चुअली मैनी चिल्ड्रन अफेक्टेड विद पोलियो डिजीज हैड बीन अनेबल टू वॉक प्रॉपरली, बहुत सारे लोग जिनको पोलियो डिजीज है वो अच्छे से नहीं चल सकते, बट द डिजीज हैज बीन कंट्रोल्ड इन इंडिया एज अ रिजल्ट विच द नंबर ऑफ चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम पोलियो हैज रिड्यूस्ड, लेकिन अब इस डिजीज से कहता हमने ओवरकम कर लिया है, इंडिया में इसको कंट्रोल कर लिया है और बहुत सारे अब कम लोगों को पोलियो होता है। समटाइम्स ड्यू टू ओल्ड एज एक्सीडेंट्स और अदर रीजन मेनी पीपल आर अनेबल टू वॉक विदाउट हेल्प, कई बार एक्सीडेंट्स की वजह से लोगों को चलने में मुश्किल हो जाती है। वी शुड ऑलवेज हेल्प सच पर्सन्स कीपिंग इन माइंड देयर प्रॉब्लम्स, हमें इन लोगों की प्रॉब्लम्स को माइंड में रखते हुए इनकी हेल्प करनी चाहिए। वी शुड नेवर मेक फन ऑफ देयर फिजिकल वीकनेस, हमें इनकी फिजिकल वीकनेस का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर नंबर 3, इसमें हमने बहुत सारा कुछ रीड किया, इसमें मेन चीज़ हमने क्या पढ़ी है ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में, या जो बहुत सारे
डिफरेंटली एबल पीपल होते हैं उनके बारे में। सो बेटा जी, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।